भैया बहनी राम राम, विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नए साल में हमारे पूरे परिवार की तरफ से दोस्तों सभी भाई बहन के ढेर सारा प्यार, दोस्तों ढेर सारी बधाइयां। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो हमारे वीडियो पर आप लोग बने रहिए, मैं चल रही हूँ। अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, मैं चलती हूँ। दोस्तों आज मैं बनाऊंगी, देखिए नए साल में गुलाब जामुन। तो सबसे पहले देखिए मैं चूल्हे में आग जला लेती हूँ, उसके बाद देखिए इसमें बनाएंगे चाशनी। इस समय देखिए हम मैं बाहर क्यों बना रही हूँ, क्योंकि बाहर देखिए धूप लग रहा है और हमारे किचन में इसमें ठंडे के मौसम में एकदम छाया रहता है, तो यहाँ पे धूप भी लगेगा, अच्छा लगेगा बनाने में। क्या बनाने के लिए सबसे पहले इसमें पतीले में पानी डाल देती हूँ, और पतीला देखिए मैंने आग जला लिया है, रखेंगे चूल्हे पर। तो अदहन हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे चीनी। बराबर देखिए इसको डोलाते हुए जो चीनी के गलाएंगे। हमारा सीरा साइड पक रहा है, मैं जो गुलाब जामुन का उसका सामग्री है मैं अच्छे से गूंथ के तैयार कर लेती हूँ। तो आप लोग आइए, मैं प्यार से दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया हुआ है। तो थोड़ा सा मैंने मैदा लिया हुआ है, चलने से अच्छे से चाल लेती हूँ। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने देखिए खोवा लिया हुआ है, तो खोवा देखिए मैंने दो दिन पहले से बना लिया है। और ये देखिए मैदा है, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, मैं ज्यादा नहीं डालूंगी, देखिए थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। अच्छे से इसको मिला के अच्छे से गूंथेंगे। देखिए ठंडी से जो है खोवा एकदम जम गया है, इसको हम अच्छे से तोड़ लेती हूँ। मैदा मिलाकर इसको अच्छे से हथेली से इसको मलते हुए इसको गूंथूंगी। चाशनी देखिए हमारी उबलना स्टार्ट हो गई है, अभी कुछ समय में तैयार हो जाएगी। बहुत ही अच्छे से गूंथेंगे, जो इसमें मैदा है खोवा बहुत अच्छे से मिल जाएगा। वैसे हम गद्दी देखिए दबाते हुए अच्छे से मैं सान लेती हूँ। जितना ही बढ़िया इसको सामग्री के अच्छे से गूंथेंगे, उतना बढ़िया गुलाब जामुन बनके तैयार हो जाएगा, खाने बहुत ही टेस्टी लगेगा। जो इसमें सीरा है बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। इसे मैं अच्छे से इसको गूंथूंगी। मैंने थोड़ा सा चीनी रख लिया है सिलबट्टे पे, और इसमें छोटी इलाची, इसको दोनों में मिलाकर इसको पेस्ट करेंगे। चीनी में मिलाकर इसको गूंथेंगे, बहुत ही देखिए बारीक करके पाउडर हो जाएगा। मैं ऐसे पाउडर बनाती हूँ। सीरा वाला देखिए बहुत अच्छे से पक चुका है, तो सीरा उतारेंगे नीचे, अच्छे से इसको ठंडा होने देती हूँ। तो जो मैंने देखिए छोटी इलाची दाना मैंने पाउडर बनाया हुआ था, इसमें डालकर अच्छे से मैं चला देती हूँ। अब मैं देखिए गुलाब जामुन की इसको छोटी छोटी लोई बनाऊंगी। देखिए मैंने ऐसे छोटा छोटा तोड़कर ऐसे ही हम गुलाब जामुन का लोई बना लेती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखिए मैं बना रही हूँ। दोनों हथेलियां देखिए दबाते हुए इसको हम गोला करेंगे। ऐसे मैं बना बना के थाली में से रखती जाऊंगी। देखिए मैंने ढेर सारा बना लिया गुलाब जामुन, थोड़ा सा बचा है मैं फटाफट बना लेती हूँ। मैंने देखिए ढेर सारा गुलाब जामुन बना के रख लिया है, अब कढ़ाई मैंने डाल दिया रिफाइन, अब इसमें रखेंगे चूल्हे पे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब एक एक मैंने गुलाब जामुन इसमें कढ़ाई में डालूंगी। बराबर देखिए उसको डोलाते हुए पकाऊंगी। गुलाब जामुन देखिए मैंने बहुत ही धीमी धीमी आंच में इसको पका रही हूँ, और बराबर देखिए उसको उल्टते पलटते हुए पकाएंगे। चारों साइड अच्छे से पकाना भी चाहिए। गुलाब जामुन देखिए हमारे अच्छे से पक गई है, तो इसको मैं छान लेती हूँ। जो इसमें देखिए रिफाइन है, रिफाइन इसको अच्छे से मैं ठोकते हुए नीचे गिराएंगे। तो ऐसे मैं सीरा में इसको डुबाते जाऊंगी। देखिए कछुले के सहारे इसको हम डुबाएंगे सिरे में।
ऐसे मैं छानते जाऊंगी, देखिए उसमें डुबाते जाऊंगी। ऐसे देखिए मैं फटाफट गुलाब जामुन को छान के रख लेती हूँ। गुलाब जामुन हमारे देखिए पक पक के जो है फट गई है। ऐसे मैं सिरे में डुबाती जाऊंगी, छानती जाऊंगी। कछुए के साथ देखिए सिरे में अच्छे से डुबाएंगे, जो सिरा देखिए अच्छे से सेट हो जाएगा। गुलाब जामुन में बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो लास्ट घान बचा है, इसको मैं छान लेती हूँ। तो गुलाब जामुन देखिए मैंने बहुत ही धीमे आंच रखा हुआ है, तो बहुत ही धीमे आंच से पकाएंगे तो बहुत ही अच्छे से अंदर तक हमारा गुलाब जामुन पकेगी। तो लास्ट घान देखिए बचा है, एक गुलाब जामुन जो डूबा हुआ है साइड करेंगे और इसको देखिए एक साइड में डुबाऊंगी। कढ़ाई के मैं नीचे रख लेती हूँ, देखिए चारों साइड में अच्छे से इसको डोला देती हूँ। जो सीरा देखिए बहुत अच्छे से पी लिया है गुलाब जामुन। देखिए गुलाब जामुन को मैं इसको तोड़ के दिखा देती हूँ, देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें रस घुसा हुआ है, बहुत अच्छे से देखिए इसमें रस घुसा हुआ है। तो देखिए बहुत ही अच्छे देखिए सीरा जो है रस एकदम पी गया है। तो ऐसे में दिखा देती हूँ, देखिए बहुत ही अच्छे से बहुत ही मुलायम देखिए हमारी गुलाब जामुन बनी हुई है। तो अब सभी लोग देखिए ठंडा हो जाएगा, सब लोग खाएंगे। गुलाब जामुन का मिठास की तरह आप सबकी जिंदगी में दोस्तों मिठास बनी रहे। और सबसे पहले मैं सासू माँ की गुलाब जामुन परोस देती हूँ। तो अब ऐसे सब ऐसे बारी बारी से खाएंगे। तो नए साल में सबके कहते सब खुश रहे, मस्त रहे, सब जने खुश रहे, मस्त रहे। नया साल है, सब निके सुखे से रहे। दोस्तों देखिए हमारी सासू माँ सबके आशीर्वाद दे रही है, ऐसे आशीर्वाद हमारे सबका सब साथ बने रहा, बना रहेगा। तो आज मैंने नया नया साल है तो मन लगे देला नगर सुखे से रहे। तो जो सासू माँ बोल रही हैं कि सभी सब हमारे लड़का बच्चा है सब निके सुखे से रहे। हम आगे सबको समझा देती हूँ क्योंकि बोलने में थोड़ा उनके प्रॉब्लम हो रहा है कैमरा में। तो मैंने नवा साल में देखिए दोस्तों बनाए गुलाब जामुन और सभी परिवार खाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब देखिए हम लोग ऐसे खाएंगे गुलाब जामुन दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के संग, तब तक लिए राम राम।